आज जो मैं करने जा रहा हूँ अपनी बाइक पे काम, वो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो मेरा जो टायर का वॉल्व है ना, इससे हवा लीक हो रही है और हवा रुक नहीं रही है। हम लोग अभी काजा में, और पूरा काजा हम लोग छान मार लिए हैं, यहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आज मैं खुद अपनी आरआर का टायर खोल रहा हूँ, टायर लेके जाएंगे आयुष्मान के साथ मनाली, वहाँ पे बनवाएंगे और फिर टायर वापस लेके आएंगे, यहाँ अपनी बाइक में लगाएंगे, उसके बाद फिर अपनी राइड कंटिन्यू करेंगे। और पैडॉक स्टैंड तो था नहीं, और ना ही आरआर में मिडिल स्टैंड आता है, तो पत्थरों को लगा के ये हम लोगों ने पैडॉक स्टैंड बनाया है। तो सबसे पहले तो ये पीछे का मडगार्ड निकल चुका है, तो अब ये डुगाटी पानी गाल ऐसी लग रही है वैसे अच्छी लगती है। चलिए अब टायर खोलते हैं। बड़ी मशक्क़त के बाद फाइनली टायर निकल चुका है, और कुछ ऐसा लुक लग रहा है, पत्थर के ऊपर बाइक रुकी हुई है, अबे और डिस्क के ऊपर नहीं रखना था, कोई बात नहीं। अब दिखाते जो हम लोगों ने इस पर जुगाड़ किया था। तो अगर ये वॉल्व के किनारे हम सील और फेविक्विक अगर आपको दिख रहा है, तो आप समझ सकते हैं भाई हम लोगों ने क्या क्या नहीं किया था हवा रोकने के चक्कर में। तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें क्योंकि आसपास यहाँ कोई भी सर्विस सेंटर नहीं है। दो ही सर्विस सेंटर है, सबसे पहला है मनाली में जो कि अप्रॉक्स 200 किलोमीटर है, दूसरा है शिमला में जो कि अप्रॉक्स 450 किलोमीटर दूर है। तो हम लोग सबसे नियरेस्ट जाने वाले हैं जो कि है मनाली में, और यहाँ पे दूर दूर तक कुछ भी ऐसा नहीं है जो टायर मेरा बना सके। इसीलिए कहते हैं राइडिंग ऐसी चीज़ है ना जो आपको पता नहीं क्या क्या चीज़ें सिखा देती है। हाथ देखिए, जब लद्दाख गए थे तो किसी और की बाइक खोल डाली थी, स्पीति आए तो अपनी ही बाइक खोल डाले हैं। तो अब देखेंगे, कल लेके जाएंगे टायर मनाली, सही करवाएंगे, फिर यहाँ आएंगे और फिर अपनी राइड कंटिन्यू करेंगे। तो अब आपको पूरी कहानी बताते हैं कि मेरी बाइक के साथ हुआ क्या है जो मैं हिमालयन लेके चल रहा हूँ। तो बाइक के साथ ऐसा हुआ था कि बाइक हम लोग बहुत गंदा ऑफ रोड करते हुए आ रहे थे नाको से काजा की तरफ। तो ऐसा आज तक मेरी बाइक में कभी हुआ नहीं है, लेकिन रात में हम लोग बाइक खड़ी कर दिए तो सब नॉर्मल था, लेकिन जब सुबह उठ के देखे हम लोग निकलने वाले थे मॉनेस्ट्री के लिए, तो देखा कि भाई मेरा पिछला जो टायर है रियर टायर पूरा फ्लैट हो चुका है, पंचर हो चुका है। हमने चेक किया, मुझे लग रहा था कि किसी बच्चे ने बदतमीज़ी कर दी है कि उससे हवा निकाल दी है। तो कोई बात नहीं, हमने कहा हवा निकाली कोई बात नहीं, इन्फ्लेटर है आयुष्मान के पास, हवा भर लेंगे। लेकिन जब हवा भरे पूरा 40 PSI तक कर दिया मैंने, उसके बाद देखा कि जैसे ही मैंने वो इन्फ्लेटर निकाला उससे हवा बहुत तेज़ी से निकलने लगी, उसके वॉल्व से, जो वॉल्व होता ना वो उससे। उसके बाद हम लोगों ने कहा भाई ये तो गंदा काम हो गया, अब क्या करें। तो हम लोगों ने देसी जुगाड़ लगाया, अपना फेविक्विक मंगाया, एमसील मंगाई, और उसके बाद पूरा सील किया उसका वॉल्व, और कैप जो था कैप के अंदर भी एमसील वगैरह लगा के उसको अच्छे से सील किया। फिर हवा भरी तो हवा नहीं निकल रही थी, हम लोग खुश हो गए कि भाई अब हवा नहीं निकल रही, अब अच्छे से कंटिन्यू कर पाएंगे अपनी राइड। क्योंकि एक दिन चलो वेस्ट हो गया, कोई बात नहीं, कम से कम अब तो राइड कर पाएंगे। लेकिन आज सुबह जब फिर निकलने वाले थे तो फिर देखा भाई टायर फ्लैट हो गया, तो समझ में आया भाई चाहे एमसील लगा ले चाहे कुछ कर ले, ट्यूबलेस टायर या ट्यूब वाला टायर कुछ भी होता तो भाई वो हवा नहीं रोक पाएगा। और ये रास्ता मनाली की तरफ भी जाता है, पीछे बोर्ड लगा था तो सोचा आपको बताते हैं। तो अब हुआ क्या है, हम लोगों ने सीधे सारे TVS वालों से बात की कि क्या मेरी बाइक टो करके आप लेके जा सकते हैं। तो सबसे नज़दीकी यहाँ पे TVS शोरूम पड़ता है शिमला, जो कि है 450 किलोमीटर के आसपास, और दूसरा है मनाली जो कि 200 किलोमीटर के आसपास है। अब दूसरी मजबूरी कि हम लोग वहाँ तक बाइक लेके कैसे जाएं, टो करके लेके जाएं या कैसे लेके जाएं, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम लोगों ने TVS कस्टमर केयर से बात की तो उन लोगों ने कहा ठीक है, सबसे नियरेस्ट हम आपको चंडीगढ़ का दे सकते हैं जो कि RR हैंडल करते हैं, RR 310 बाइक हैंडल करते हैं, तो वो आपका पर किलोमीटर 40 रुपये के हिसाब से पैसा लेगा आने जाने का मिला के। और चंडीगढ़ पड़ता है यहाँ से कम कुछ 500 किलोमीटर, तो 500 जाना 500 आना 1000 किलोमीटर हो गया। अब एक किलोमीटर का 40 ले रहे तो 1000 का कितना लेंगे, 40,000। तो 40,000 में मेरी बाइक को वो वहाँ से चलेंगे, मेरी बाइक टो करेंगे यहाँ से और वापस शोरूम तक छोड़ेंगे, सिर्फ टो का 40,000 में बता रहा हूँ। और उसके बाद बाइक में जो दिक्कत है वो अलग, सोचिए सिर्फ एक इतनी छोटी सी वॉल्व के लिए
मुझे 40,000 देने पड़ रहे हैं जो कि मैं नहीं दे रहा। सबसे पहली बात, 40,000 तो गलती से मैं नहीं दूंगा, कोई बेवकूफ होगा तो वही देगा। 40,000 में मैं खुद बाइक का टायर खोल के मनाली जाके बनवा लूँ, ये कर सकते हैं। फिर भी बहुत ज़्यादा पैसे बच जाएंगे भाई, 40,000 में मैं अपनी दो ट्रिप मार लूँगा। तो एक बार आपको बाइक दिखाते हैं, क्या क्या मेहनत कर रखी थी और कैसी लग रही है अभी, और क्या जुगाड़ करके हम लोगों ने बाइक खड़ी की है। तो इस बाइक में मेटल स्टैंड तो आता नहीं है, तो मेन दिक्कत ये थी कि हम लोग इस बाइक का पिछला टायर निकाले कैसे। तो पैड डॉग स्टैंड सस्ता वाला हम लोगों ने बनाया पत्थर दोनों तरफ लगा के, और कुछ ऐसी बाइक लग रही है। अब निकलते हैं यहाँ से मनाली की तरफ, और अभी 7 बज रहे हैं लगभग, 7:05 हो रहे होंगे। सेम डे जाना है, वापस भी आना है, तो पता नहीं क्या कैसे होगा। बस फिलहाल अभी तो यहाँ से निकल रहे हैं टायर लेके। सर फाइनली चीजम ब्रिज निकल चुका है, हम लोगों ने कवर कर लिए हैं कुछ लगभग 25 किलोमीटर, और कुछ गाड़ियां यहाँ पे दिख रही हैं, और वो भी खटारा जो कि जल्दी चलाती नहीं है, और यहाँ एक इंसान नहीं दिख रहा है। और भाई मैं लेके बैठा हूँ टायर अपना, आयुष्मान बाइक चला रहा है, और भाई स्नो इतनी गिर चुकी है पहाड़ों पे, पहाड़ों के टॉप पे। कल हम लोग चीचम ब्रिज तक आए थे तो एक भी पहाड़ पे इतना नहीं बर्फ दिखी थी, बहुत कुछ पहाड़ों पे बर्फ दिखी थी बट यहाँ पे कुछ नहीं, लेकिन अभी दिखने लगी है बर्फ। और अभी पीछे एक जगह से निकाले थे तब भाई गोप्रो हैंग कर गया था, नहीं तो आपको दिखा दे ढंग से, पानी बह रहा था और बहते बहते जम गया। और पता नहीं वहाँ आप देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, वहाँ पे एक पहाड़ है लेफ्ट साइड में और वो पूरा। तो यार अभी हैं हम लोग लोसर में, और टेम्परेचर बहुत नीचे जा चुका है। सूरज देखेंगे तो भाई सूरज भी ढंग से दिख नहीं रहा है, और हर जगह बर्फ ही बर्फ है। सर्वाइवल इजी नहीं है, -17-18 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर यहाँ का, -17-18 स्पीति बहुत बड़ी चीज़ है अगर आप विंटर्स में यहाँ पे आते हैं। लोग कोल्ड ड्रिंक में बर्फ़ मांगते हैं, यहाँ चाय में बर्फ़ गिर रही है ऊपर से, क्या दिन आ गए भाई स्पीति आके। तो यार हम लोग चले थे ये टायर लेके काजा से, सोचा था कि हम लोग मनाली जाके टायर बनवा लेंगे, बट सीन ये हो गया है कि लोसर पहुँचते ही हम लोगों को मिल गई है स्नोफॉल, और स्नोफॉल भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या हो रखी है यहाँ पे। तो भाई पूरा पहाड़ के टॉप नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पे पूरा स्नोफॉल हो रहा है, यहाँ पे हो रखा है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे, पता नहीं कैमरा कैप्चर करेगा कि नहीं, छोटे छोटे स्नोफ्लेक्स भी गिर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे तो चेक पॉइंट पड़ा था लोसर में, तो उन लोगों ने पुलिस वालों ने साफ कह दिया है कि कोई भी गाड़ी होगी यहाँ से आगे नहीं जाने देंगे, और जो कि सही बात है हम लोगों की सेफ्टी के लिए भी है, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रखी है। तब ये टायर आज तो नहीं बनने वाला, अब देखना ये है कि करना क्या। अब दो ऑप्शन बचते हैं, या तो मैं अपनी बाइक टो करवाऊँ यहाँ से शिमला तक की, फिर वहाँ जाके मैं चेंज करवाऊँ अपना टायर, या दूसरा ऑप्शन ये है कि हम लोग टायर लेके अब शिमला निकले। तो जो भी होगा पता नहीं क्या होगा, और स्पीति बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता चला जा रहा है, सोचा नहीं था ये सब होगा पर हो रहा है, तो कुछ पता नहीं है, जैसा होगा अपडेट देते हैं आपको। तो वीडियो एडिट करते करते याद आया कि मैंने वीडियो एंड किया ही नहीं था, तो मैं और एंडिंग बता देता हूँ कि क्या हुआ था। मेरी बाइक नहीं बन पाई, मैंने अपनी बाइक टो करवाई थी काजा से, और टो हुई थी रामपुर तक, वहाँ पे मैंने बाइक बहुत बनवाई, वॉल्व तो पूरा ख़राब हो गया था, वॉल्व चेंज हुआ, और उसके बाद टायर पूरा चेंज हुआ, उसके बाद मैं वहाँ से यहाँ लखनऊ अपने घर आ पाया हूँ। तो ये सारी चीज़ें हुई थी, तो अगर आप विंटर्स में जा रहे तो देख के जाइएगा। तो वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।